मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी पर यह लिखा गया है। इसकी शैली सूत्रात्मक है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है 7 तत्वों का, जिसमें विस्तार रूप से वर्णन है। हम सभी लोग तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में पंच भावों के बारे में पढ़ रहे थे। यह 5 भाव जीव के स्वतत्त्व भाव हैं, निज स्वरूप हैं, और इसमें हमने देखा 5 प्रकार के भाव में औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदिक भाव और पारिणामिक भाव। औपसमिक भाव के 2 भेद पड़े, सम्यक्त औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। छायिक भाव में हमने 9 प्रकार के भावों को पढ़ा, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान लाभ भोगो भोग वीर और छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने 2 भावों को कंप्लीट रूप से पढ़ा था और कल अपन ने छायोसमिक भाव के भेद का सूत्र भी देखा था। छायोसमिक भाव जो है वो 18 प्रकार का होता है और उस सूत्र को अपन ने कल उच्चारण किया था। आज पुनः एक बार उस सूत्र का उच्चारण करके उसके अर्थ को समझते हैं। तत्वार सूत्र का द्वितीय अध्याय का 5वां नंबर सूत्र है, देखेंगे ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्य चतुस् त्रि त्रि पंच भेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ये सूत्र है। देखा था अपन ने ज्ञान चतुः 4 प्रकार का ज्ञान लेना, यहाँ पर अज्ञान त्रि 3 प्रकार का ज्ञान लेना, दर्शन त्रि 3 प्रकार का दर्शन, लब्धयश्य है और जो लब्धि है वह पंच 5 प्रकार की लब्धि लेना। इस प्रकार से भेदः 4, 3, 5 प्रकार, इस प्रकार के भेद इनके हुए, तो ये टोटल 15 प्रकार के हो गए। और एक सम्यक्त लेना, एक चारित्र लेना और एक संयमा संयम लेना। इस प्रकार से 18 भेद हो जाते हैं। ये क्षयोपशम भाव के 18 भेद हैं। अब इनका अर्थ क्या होता है इसको अपन अच्छी तरह से समझते हैं। क्षयोपशमिक भाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2-4 बातों को पहले समझ लेना चाहिए, जो सैद्धांतिक बातें हैं, क्योंकि उसके बिना समझे हमें आगे की परिभाषाएं कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। देखिए, जो कर्म का अनुभाग शक्ति है वो 2 प्रकार से होती है, एक सर्वघाती और देशघाती। 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रगति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अभी अपन जो 4th नंबर का जो अनुभाग बंध है उसकी शक्ति की बात कह रहे हैं, फल देने की शक्ति। कर्म में फल देने की शक्ति कितने प्रकार से है, तो एक तो होता है सर्वघाती और एक होता है देशघाती। सर्वघाती जो कर्म का फल है वो हमारे जो गुण हैं उन गुणों को प्रकट नहीं होने देता है सर्व रूप से, उसका नाम ही है सर्वघाती। जो सर्व रूप से घात करे, नुकसान पहुंचाए, उसे कहते हैं सर्वघाती। देशघाती अनुभाग शक्ति ऐसे होती है जिसके उदय काल में हमारा उतना नुकसान नहीं होता है जितना सर्वघाती में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल केवल ज्ञानावरण एक ऐसी कर्म प्रगति है, ये सर्वघाती प्रगति है जिसके उदय रहने पर हमें केवल ज्ञान का एक अंश भी प्रकट नहीं हो पाता। हमारे आत्मा में ज्ञान शक्ति इतनी बड़ी है कि हम पूरे जगत को एक समय में जान जाएं, इतनी ज्ञान की शक्ति होती है। पूरा ब्रह्मांड हमारे ज्ञान का विषय एक समय में हो सकता है।
पलक झपकते हैं इसमें असंख्यात समय हो गए, और समय कितना छोटा होगा आप सोच सकते हैं। उस एक समय में अनंत काल और पीछे के अनंत काल आगे के ऐसे अनंत द्रव्यों की अनंत अवस्थाएं, अनंत पर्याय एक समय में जानने की हमारे ज्ञान में शक्ति है। लेकिन जो सर्वघाती जो कर्म हैं वो हमारे आत्मा ज्ञान में ऐसे आवरण हैं कि पूर्ण रूप से वो ज्ञान उजागर नहीं होने देता है। जैसे कि सूर्य को पूरा मेघ ढक ले तो उसका प्रकाश बिल्कुल भी बाहर ना आ पाए, ऐसे ही एक कर्म की जो लेयर है वो सर्वघाती रूप कर्म की लेयर होती है, जिसके कारण हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन आदि अनेक गुण ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से आवृत हो जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं सर्वघाती स्पर्धक। क्या कहते हैं? सर्वघाती स्पर्धक। अब आपको स्पर्धक शब्द भी लग रहा होगा, ये कौन सा शब्द आ गया? तो स्पर्धक किसे कहते हैं? एक परमाणु जो होता है उस परमाणु में अविभागी प्रतिच्छेद की शक्ति, यानी कि एक परमाणु में भी बहुत शक्ति मौजूद होती है, ठीक है ना? और उन शक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और ऐसे वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, और वर्गणा के समूह को, ऐसे अनंत वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तो आप सोचिए कितने सारे परमाणु इकट्ठे हो गए, कितनी सारी एनर्जी इकट्ठी हो गई। और जब भी हम कोई राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ तीव्र कषाय बुरे भाव अच्छे भाव जो भी करते हैं, उस रूप परमाणु हमारी आत्मा के पास आकर सन्निधि में रुक जाते हैं और वो एक में एक हो जाते हैं, दूध पानी की तरह बिल्कुल एक प्रदेश पर, एक क्षेत्र पर स्थित हो जाते हैं। उन्हें स्पर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। स्पर्धक जो है वो हमारे आत्मा को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसके उदय से, देशघाती उस स्पर्धक के उदय से हमें इतनी ज्ञान की शक्ति प्रकट हो सकती है कि जिससे हम अपने आत्मा के बारे में जान सकें, हित अहित के बारे में जान सकें, इतना दर्शन प्रकट हो सकता है कि हम आत्मा का अनुभवन भी कर सकें, इतना सुख भी प्रकट हो सकता है जिससे हम अपने इस इंद्रिय सुख के साथ साथ आत्मिक सुख की भी प्राप्ति भी कर सकते हैं। और इस देशघाती कर्म के उदय से आत्मा में इतनी शक्ति प्रकट हो सकती है कि हम साधना भी कर सकते हैं, तपस्या भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है देशघाती कर्म के उदय में हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में प्रबल पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन सर्वघाती कर्म का उदय आएगा तो हमारे बस में कुछ भी नहीं चलेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे गोल्डन चांस बहुत कम आते हैं जब देशघाती कर्म का उदय होता है। तो जैसे हम मंदिर आ रहे हैं तो हमारा देशघाती कर्म का उदय है, ठीक है ना? शक्ति का भी, ज्ञान का भी, हम उसका दुरुपयोग करते हैं, हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं और पाप विषय वासनाओं में लगाते हैं, तो और हमारे कर्म जो हैं वो सर्वघाती रूप बनते रहते हैं। तो क्षयोपशम समझने के लिए हमें दो बात अपन ने समझी। कौन सी समझी? एक तो सर्वघाती स्पर्धक और एक देशघाती स्पर्धक। ये क्या है? कर्मों के फल देने की शक्ति का नाम है। किसका नाम है? जो कर्म हमने पूर्व में बांधे हुए हैं उनकी फल देने की शक्ति, उनका जो रस है वो ये सर्वघाती स्पर्धक का नाम, सर्वरूप से घात करना, और देशघाती का नाम एक देश रूप से घात करना। गुरुदेव नमोस्तु। क्या सभी कर्म स्वर्गघाती होते हैं, देशघाती भी होते हैं? सर्वघाती और देशघाती कौन कौन से कर्म होते हैं? तो कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं कि जो सर्वघाती ही होते हैं, वो देशघाती नहीं होते हैं, ठीक है ना? और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं मात्र जो देशघाती ही होते हैं, वो सर्वघाती भी नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान, ये चार ज्ञान ऐसे हैं कि सर्वघाती भी हैं और देशघाती रूप भी हैं,
ठीक है ना। कोई सर्वघाती रूप बांधता है इनको, कोई इनको देशघाती रूप बंद करता है। लेकिन केवल ज्ञानावरण जो कर्म है वो नियम से कैसा है, वो सर्वघाती ही है। ठीक है। अब ऐसे ही मोहिनी कर्म में अपन चलते हैं तो जो सम्यक प्रगति है, वो जो सम्यक प्रगति है वो नियम से देशघाती ही है, वो सर्वघाती रूप नहीं है। तो ऐसे ही कर्मों में बंटवारा है कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो मूलतः पूर्ण सर्वघाती ही हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो मात्र देशघाती रूप ही हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो दोनों हैं, सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं। इस प्रकार से जब अपन कर्मकांड आदि पढ़ेंगे तो हमें उसमें ये वाली बातें बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएंगी कि कौन सी देशघाती है और कौन सी सर्वघाती है। हमें तो क्षयोपशम जो सम्यक दर्शन पढ़ रहे हैं उसमें हम आपको समय में आने पर बताएंगे कि हम वहाँ पर कौन सी सर्वघाती प्रगतियाँ हैं और कौन सी देशघाती हैं, जिसका अर्थ समझ करके हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। हे पूज्य गुरुवर नमोस्तु। क्षयोपशम किसे कहते हैं? क्षयोपशम, इसमें देखिए दो शब्द हैं, क्षय और उपशम। आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्षयोपशम लिखा होगा, ऊपर क्षय प्लस उपशम, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ ये शब्द है क्षयोपशम, क्षय प्लस उपशम। ठीक है ना। तो ये क्षयोपशम, अब इस क्षयोपशम में क्या क्या काम होता है, तो तीन काम होते हैं, एक क्षय, दूसरा उपशम और तीसरा उदय। कितने काम होते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है क्षयोपशम किसे कहते हैं, लिखा हुआ है ना। तो इसमें तीन बातें लिखी होंगी, एक क्षय, दूसरा उपशम और तीसरा उदय। ये क्षयोपशम में तीन कार होते हैं, तीन काम होते हैं। यहाँ जो क्षय शब्द लिखा हुआ है, ये छाइक वाला क्षय मत लगाना। जैसे छाइक में तो क्या हुआ था, उस कर्म का पूरा नाश ही हो गया था, तो यहाँ पर वो नाश वाला क्षय नहीं लगाना है। यहाँ पर जो क्षयोपशम में जो क्षय है, यहाँ पर यह है कि जो कर्म सत्ता में है उसका उदय ना हो, उदय में ना आए, बस यही क्षय है। जो चीज़ अपने पर रखी हुई है वो हमको फल ना दे, उदय में आकर के फल ना दे, बस यही उसका नाम क्षय है। तो यहाँ पर क्षय लगाना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है क्षय के आगे, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। क्या लिखा है, वर्तमान काल में हमारे कर्म के रेगुलर कर्म को उदय चल रहा है, तो कुछ एक ऐसा कर्म है जिसका वर्तमान काल में वो कैसा है, सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती नहीं, कौन सा, सर्वघाती। जैसे मिथ्यात् प्रगति है, मिथ्यात् प्रगति है वो सर्वघाती है। ठीक है ना। तो वर्तमान काल में उसका क्या करना है, उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का मतलब क्या है, अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अभी आंगर के। उदयाभावी क्षय उसका अर्थ क्या होता है, उदय में अभाव, उदय में अभाव, उदयाभावी, अपने को तोड़िए, उदय प्लस अभाव, उदय में अभाव का नाम ही क्षय है। ठीक है, कितनी सुंदर परिभाषा है। हमारे जैन आचार्यों ने बहुत टेक्निकल वर्ड्स रखे हुए हैं, उनका अपने आप अच्छे से समझ लें तो अर्थ उसी से ही निकल जाता है कि वो शब्द क्या कहना चाहता है। ऐसे शब्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो भगवान महावीर की वाणी दिव्य ध्वनि में और खिरी हुई है। उदयाभावी, उदय में अभाव, सर्वघाती जो स्पर्धक है, मान लो मिथ्यात् प्रगति है, उस मिथ्यात् प्रगति का क्या होना, उदय में अभाव। अब उसका उदय बंद हो गया, सत्ता में है पर वो उदय में नहीं आ रहा, कौन सा स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्षयोपशम में यही है, क्षय जो लगाना है हमको, क्या लगाना है क्षय को, कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उसका उदय में अभाव नाम का क्षय, पहली बात। फिर क्या लिखा है, उपशम, यहाँ क्या लिखा है, उपशम। उस समय क्या लिखा है, भविष्य में, अभी तो लगाया अपन ने वर्तमान में, तो वर्तमान में तो उदय नहीं आ रहा है पर अभी वो अंदर रखा हुआ है, तो बोले भविष्य में तो आ जाएगा ना, तो बोल रहे नहीं, क्या कह रहे हैं, भविष्य में उदय आने योग, कौन से, वही कर्म, वही सर्वघाती स्पर्धक, भविष्य में उदय आने योग, जो उदय के योग्य हैं, ऐसे जो सत्ता में रखे हुए, वही सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम।
क्या लिखा हुआ है? सदवस्था, सद वस्था, सद अवस्था, उसी अवस्था रूप, जिस रूप सर्वघाती स्पर्धक हैं उसी अवस्था रूप, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, जैसे हैं बिल्कुल वैसी उसी अवस्था। जैसे मिथ्यात् प्रगति सर्वघाती है तो वो सर्वघाती रूप स्पर्धक है और वो उसी रूप ही क्या बैठी हुई है, उपशम दबी हुई है। एक तो पहले क्या किया अपन ने, उसको उदय में नहीं लाए, पहली बात। दूसरी बात, भविष्य में भी, आगे समय में भी, अंतर मुहूर्त या पूरा जीवन या फिर 66 सागर तक क्या हानि होना, उसका उसमें उदय में नहीं आना और उसका दबा रहना, सदअवस्था उसी अवस्था उसी मिथ्यात् रूप ही उसका अवस्था में दबे रहना, कोई चेंजिंग नहीं होना। दो बातें हो गई, क्षय की बात हो गई और उपशम की बात हो गई। अब तीसरी बात क्या लिखा है यहाँ पर, उदय। तो उदय में क्या देखना है, वर्तमान कालीन में, अब क्या करना है, वर्तमान कालीन में देशघाती स्पर्धकों का उदय, उदय में क्या लाना है। अरे भैया कुछ ना कुछ तो उदय होगा ना, तो किसका उदय, तो बोले सर्वघाती तो होगा नहीं, तो किसका उदय होगा, देशघाती। देशघाती मतलब क्या, जो एक अंश का हमारा घात करे, पूर्ण अंश का घात न करे, नुकसान न पहुंचाए, उसके उदय रहने में हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अच्छी शक्ति की भी प्राप्ति हो जाए, तो उसको कहेंगे देशघाती स्पर्धक, ठीक है ना। तो वर्तमान काल में कौन से कर्म प्रगति का उदय, देशघाती स्पर्धक का उदय। जैसे सम्यक प्रगति है वो देशघाती है, उसका उदय हो तो अपन को सम्यक दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्षय, उपशम और उदय, ये तीन बातें जो हैं किसमें घटित होती हैं, क्षयोपशम की परिभाषा में। क्षयोपशम में सिर्फ क्षय और उपशम होता है ऐसा नहीं लगाने का, तीन बातें घटित होती हैं, क्षय भी होगा, उपशम भी होगा और उदय भी होगा। और क्षय का ध्यान रखना, नाश नहीं, सर्वथा पूर्ण रूप से नाश नहीं, अपितु उसका उस प्रगति का उदय में नहीं आना, मात्र इतना ही क्षय वहां पर मानना। जैसे अपन ने राजा को जीता, तो राजा को जीता तो राजा किस को अपन ने जीतने के बाद उसको पुनः राज दे दिया कि आप राज संभालो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो गया क्षय, हमारे अधीन हो गया ना, वहां झंडा हमारा गड़ गया, हमारे अधीन है, राजा की शक्ति बिल्कुल वही रही, सब कुछ शक्ति बिल्कुल वही है, लेकिन किसके अधीन है, हमारे अधीन है, तो ये क्या हो गया, राजा का उदय में वो परिणाम नहीं आ पा रहा जो आना चाहिए, तो ये हो गया क्षय। फिर हमने क्या किया, एक काम करो, उसको ला करके राजा के रूप में ही नजर बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया, वो किसी से मिल नहीं सकता, जुल नहीं सकता है, हमारे अधीन है, उसको हमने उपशम कर दिया, भविष्य में भी आगे समय तक में उसको क्या कर दिया, आगे समय तक उसको हमने नजर बंद करके रख दिया, तो ये क्या हो गया, उपशम। पहले इसकी शक्ति उसको वैसी रखी अपन ने, फिर उसको उपशम कर दिया, दबा दिया। अब क्या है, अब आया उदय, तो उदय में हमने क्या किया, अपना एक आदमी बिठा दिया, एक ऐसा आदमी बिठा दिया जो हमारे बिल्कुल अधीन है, हमारी बात में मानता है, उसके रहने से हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, वो हम पर आक्रमण नहीं करेगा, हमारी बुराई नहीं करेगा, हमारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो क्या हो गया, उदय, ठीक, कम रूप वाले व्यक्ति को अपन ने उदय में रख दिया। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया क्या, क्षयोपशम अर्थ हो गया। हे गुरुदेव नमोस्तु, उदयाभावी क्षय हमारे समझ में नहीं आया, हमें उसे समझाने की कृपा करें। उदयाभावी क्षय, जैसे मैंने आपको समझाया, उदय में अभाव क्या होता है, एक कर्म की श्रृंखला होती है फल देने की, जैसे जिस समय हम कर्म बांधते हैं, अभी आप यहाँ पर देखेंगे स्लाइड में यहाँ पर लिखा होगा उदयाभावी क्षय, मैं आपको समझाता हूँ, उसके पहले आपको बताता हूँ कि जिस समय हम कर्म बांधते हैं उसी समय हमारे पास एक कर्म की स्थिति बढ़ जाती है कि ये कर्म का फल कितने समय बाद समय तक देगा और कितने समय के बाद देगा, ये पूरी की पूरी श्रृंखला बन जाती है स्थिति की, और स्थिति के साथ अनुभाग की भी इस बन जाती है कि ये कितने कितने फल कितना कितना देगा, पहले टाइम में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इतना, इस प्रकार से कैसे अनुभाग का उदय आएगा,
ठीक है ना। तो वो हर चीज़ का उसी समय कर्म बंद के समय ही यह व्यवस्था बंद जाती है, ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो अभी बात जो चल रही है कि उदय के एक समय पहले के पहले, ठीक है, जैसे ऐसा होता है जो द्रव उदय में आ गया वो तो आना ही आना है, लेकिन जो उदय के एक समय पहले तक जो कर्म हैं उसके पहले के सब सर्वघाती प्रगतियां हैं, और जब उदय में आए तो वो देशघाती होकर के उदय में आए, तो सर्वघाती तो उदय में नहीं आ रहा ना, फिर क्या नहीं हो रहा है, सर्वघाती उदय में नहीं आ रहा है। और जो एक समय पहले उदय में उदय उदयावली में आया उसको अपन बोलते हैं उदयावली। उदयावली में कोई चेंज नहीं हो सकता, जो उदयावली में आ गया उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फिर तो वो फल देगा ही देगा, ठीक है ना। उसके पहले एक समय पहले जो कर्म है उसको देशघाती करके, उसका उसका अनुभाग को कम करके वो उदय में आता है, तो सर्वघाती उदय में नहीं आता। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। सर्वघाती प्रगतियों का अनंत गुणाहीन हो करके, क्या हो करके, सर्वघाती प्रगतियों का अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन हो करके देशघाती में परिवर्तित हो करके उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। ये पूरा लंबा बना हुआ अनुभाग बना हुआ है, ये पूरा सर्वघाती है, और यहाँ से उदय है, यहाँ से बाहर निकलना है। तो इसके पहले जो ये वाला कर्म है जो उदय में आने वाला है उसके पहले वो उतना पार्ट क्या है, वो देशघाती बन जाएगा। ये तो सर्वघाती है पूरा, ये क्या बन जाएगा, देशघाती। वो उदय में क्या आएगा, वो देशघाती होकर के उदय में आएगा, सर्वघाती रूप में, मतलब कम फल देने वाली शक्ति वाला उदय में आएगा। जो तीव्र शक्ति वाला था, सर्व रूप से घात करने वाला था, वैसा उदय में नहीं आएगा। तो अनंत गुणाहीन होकर के वो उदय में आता है, देशघाती रूप में परिवर्तित होकर के। क्या लिखा है, इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या लिखा है कि सर्वघाती जो स्पर्धक हैं उदय में आने के एक समय पूर्व ही देशघाती से, सर्वघाती से देशघाती में परिवर्तित हो जाते, चेंजिंग हो जाते हैं, वो सर्व से देश में, मतलब कम रूप में फल देने की शक्ति कम हो जाती है, और उदय में होकर के वो बाहर निकल जाते हैं। और जो सत्ता में है वो सत्ता में तो है ही है। अब देखिए यहाँ पर चित्र आ गया, हो गया आपके पास, एक चित्र बना है उदयाभावी क्षय का। सीधी जो लाइन जा रही है वो कर्म की स्थिति है, वो क्या है, कर्म की स्थिति है। जो तिरछे डायग्राम बने हुए हैं वो क्या है, अनुभाग है। अब देखिए ऊपर लिखा है अनुभाग भेद, लिखा है लता, दारु, अस्थि और शैल। लता जो है कोमल होती है, उससे भी ज़्यादा कठोर दारु लकड़ी होती है, उससे भी कठोर अस्थि हड्डी होती है, और उससे भी ज़्यादा कठोर पत्थर शैल होता है। तो ऐसे कर्मों का लगा लीजिए, कर्म कितना कमजोर, फिर कठोर, फिर और कठोर, और कठोर, और कठोर, चार भाग में डिवाइड हो गया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, शैल, अस्थि और दारु, इसमें से घट, ये तो पूरा अनुभाग जो है सर्वघाती है, और लता क्या है, देशघाती है। तो लता प्लस दारू का अनंतवा भाग, देखो वहां लाइन बनी होगी, दारू मतलब लकड़ी, उसका अनंतवा भाग, ये दोनों कैसे होती हैं, देशघाती। तो सर्वघाती उदय में नहीं आ रहा है, देशघाती बन करके उदय में आ रहा है, इसी को उदयाभावी क्षय कहते हैं। जो कर्म की तीव्र शक्ति थी शैल रूप, अस्थि रूप, वो घट करके लता रूप होकर के कर्म उदय में आए, तो उस समय हम कहते हैं उसको देशघाती कर्म प्रगति, उसी को बोलते हैं उदयाभावी क्षय। कि जो सर्वघाती का तो उदय का अभाव, और उसका एक समय पहले देशघाती में परिवर्तित होकर के उदय में आना, उसी को बोलते हैं देश उदयाभावी क्षय। इस प्रकार से यहाँ पर अपन सभी लोगों ने उदयाभावी क्षय को समझा, क्योंकि ये क्षोपशम की परिभाषा में जो तीन बताए थे, क्षय, उपशम और उदय, उनमें से एक क्षय की व्यवस्था है, कि जब तक हम उदयाभावी क्षय को नहीं समझेंगे तो हमें यह क्षयोपशम समझ में नहीं आएगा। आगे हम उसमें जो सदवस्था रूप उपशम कैसे होता है तो उसके लिए कल हम इसको समझाएंगे। सुशील जैन बम्बई का एक शंका आई हुई है कि हे गुरुदेव, हम आपकी पाठशाला रोज़ सुनते हैं, पर हम इसे चारित्र में कैसे लाएं, अपने जीवन में कैसे लाएं। सुशील जी,
यह आप जो सुन रहे हैं परम, आप सौभाग्यशाली जीव हैं। ये सुनना भी एक अपने आप में एक चारित्र में लाना ही है। पहले श्रवण होता है, श्रवण के बाद मनन होता है, फिर चिंतन होता है, मंथन होता है। आप भगवान की वाणी को इतनी शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रही बात चारित्र में लाने की, तो जब आप वाणी को सुने तो अपने जीवन में ये धारण करें कि सर्वज्ञता पर कितनी महिमा आना चाहिए, कि सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञान है कितना प्रकृष्ट है। ऐसे ही ज्ञान को मैं प्रकट करूँ, तो उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए मैं बहुत स्वाध्याय करूं, अपनी कषायों को सम करूं, इंद्रियों का दमन करूं और अपने जीवन में संयम रूप आचरण लाएं। जितना आप संयम लाते जाएंगे, आपको भगवान की वाणी आपके अनुभूत होने लगेगी, अनुभव में आने लगेगी और वही आपका आचरण बन जाएगा। जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, कानों में जो जा रहा है आपके, वो आत्मा को तृप्त करने वाला है। यह तृप्ति आपको जीवन में बहुत बड़ी अनुभव देगी। आप जो जो एक एक विषय सुनते जा रहे हैं, उसके बारे में ये सोचिए कि ज्ञान की कितनी महिमा है, ज्ञान कितना अपरंपार है। ये ज्ञान तो मेरे जीवन में भी है, ये मेरी आत्मा में भी है, मैं इसे प्रकट कर सकता हूँ। आप शांत चित्त से अपनी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव से देखने का अभ्यास करें, प्रयास करें, फिर देखिए आपके जीवन में वो ज्ञान की महिमा, वो ज्ञान का आनंद अवश्य ही प्रकट होगा। पढ़ने का मतलब है हमारे जीवन में कषाय कम होना, इंद्रियों का दमन होना, भगवान की वाणी को अपने अंदर उतारना। यही जो है आपके जीवन में प्रैक्टिकल आ जाएगा, तो देखिए फिर आपको पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा, बहुत सुंदर तरीके से आनंद आने लगेगा। ठीक है ना, तो आपका यही समाधान है कि आप इसे चित्त से सुन करके श्रवण करें और इसका आनंद लें। साक्षी जैन ग्रीन पार्क, इनकी शंका आई हुई है कि गुरुदेव हम तत्वार्थ सुन रहे हैं और उसमें हमने सम्यक दर्शन के बारे में सुना, वो सम्यक दर्शन की हम अनुभूति कैसे करें। तो देखिए सम्यक दर्शन की जो अनुभूति है, जो तत्व को आपने सुना ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। इस प्रकार का जो आपको अनुभव हुआ कि हाँ ऐसा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परिग्रह रूप नहीं हूँ, मैं एकत्व हूँ, अनादि अनंत अखंड हूँ, अभेद हूँ, इस प्रकार का जो आपको स्वानुभव हो, तो वही आपका सम्यक दर्शन का कारण बनता है और वही सम्यक दर्शन की अनुभूति है। इस सम्यक दर्शन में जो श्रद्धा आई, देव शास्त्र गुरु के प्रति लगन लगी, वो भी एक सम्यक दर्शन का पाठ है। इससे ही हमें सम्यक दर्शन का अनुभव होता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकावलो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोग। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।